दिल्ली में चल रहे राग रंग के पांचवें दिन मशहूर बैंड अस्तित्व ने अपनी परफॉर्मेंस दी। अस्तित्व वही बैंड है जिसने दिल्ली का एंथम बनाया है। यूं तो ये बैंड अक्सर रॉक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन राग रंग की थीम जो थी वो संस्कृति से जुड़ी हुई थी, तो अस्तित्व भी एक अलग ही अंदाज में नजर आया। ये है अस्तित्व बैंड, अंदाज वही पुराना रॉकिंग सा, लेकिन शब्दों पर जरा गौर करिए। जी हाँ, आज इनके गीत के बोल हिंदी या अंग्रेजी के नहीं बल्कि संस्कृत के हैं। मौका है दिल्ली में चल रहे राग रंग महोत्सव का, जिसकी आज की थीम थी संस्कृत। एक के बाद एक अस्तित्व बैंड ने संस्कृत के श्लोकों की झड़ी लगा दी। दिल्ली सरकार की कला संस्कृति और भाषा विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस महोत्सव की मुख्य अतिथि थी शिक्षा मंत्री डॉक्टर किरण वालिया, जिन्होंने इसकी जमकर तारीफ की। तो हमारे साहित्य कला परिषद, असर तमाम अकादमियाँ, कल्चर डिपार्टमेंट मिलकर रोज यहाँ एक से एक सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। कल यहाँ पलाश सेन वगैरह की भी प्रस्तुति होगी, और आप संस्कृति से जोड़ा आज के आधुनिक ढंग को लेकर, और आपने देखा कि उनका संस्कृत का उच्चारण, संस्कृत के श्लोक, और सभी लोग जुड़ गए। तो अकादमियाँ अपनी कल्चर को जिंदा रख रही हैं, हम कहीं भूल ना जाएं, हम अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, हिंदी को भूलते जा रहे हैं, संस्कृत की तो बात छोड़ो। राग रंग महोत्सव की रौनक यही खत्म नहीं होती। आज यहाँ पलाश सेन का यूफोरिया बैंड भी परफॉर्म करेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली आज तक।